मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस और शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हम सबको अपना योगदान देना होगा। उत्तराखंड इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चल चल। मैं आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जवान सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समृद्ध भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदम ताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कई माननीय विधायकगण, राज्य सरकार में दायित्वधारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सहित सैकड़ों लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी।